दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की 8 से 10 ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप अप्रैल माह में या गर्मियों में आसानी से तो ग्रो कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उन सभी सब्जियों से मंडी भाव भी आपको जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी उन सब्जियों से आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। काफ़ी किसान भाई सोचते रहते हैं कि भाई गर्मियों में सब्जियों की खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है, लू वगैरह चलते हैं और टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से काफ़ी किसान भाई ये भी सोचते रहते हैं, कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि भाई गर्मियों में हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सी सब्जियाँ हम गर्मियों में लगा सकते हैं और कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं जिनसे मंडी भाव भी हमें शानदार मिल जाए। तो दोस्तों वैसे तो आपको गर्मियों में जो सब्जियों के मंडी भाव होते हैं वो लगभग सभी सब्जियों से आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम अप्रैल माह में या गर्मियों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जिन सब्जियों की फसलों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, गारंटी से गर्मियों में आप उनको आसानी से तो ग्रो कर सकते हैं और मंडी भाव भी उन सभी सब्जियों से आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। तो आज का यह वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अप्रैल माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर आप जो है पंपकिन फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि कद्दू की खेती जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में अगली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो बेल वर्गीय सब्जियों में कद्दू एक ऐसी फसल है जिसको आप अप्रैल माह में आसानी से कर सकते हैं, आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। लंबे समय तक इससे आपको उत्पादन मिलता रहेगा, यानी कि बारिश होने के बाद भी ये आपको उत्पादन देता रहेगा। गर्मियों में मंडी भाव सभी सब्जियों के अच्छे मिलते हैं और इसके भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पर बेल वर्गीय सब्जियों की ही बात करें तो यहाँ पर आप जो है लौकी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर किसान भाई सबसे ज़्यादा जो है लौकी की खेती करते हैं। जो किसान भाई गर्मियों में सब्जियाँ लगाते हैं वो लौकी की खेती ज़रूर करते हैं, क्योंकि भाई गर्मियों में लौकी के जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं और उत्पादन जो है लौकी का वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। अगर आप अप्रैल माह में लौकी लगाने की सोच रहे हैं तो आप जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, 15 अप्रैल के बाद में अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी लौकी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़े दिनों मतलब मई माह जो है वो पूरा लू का महीना, पूरे मई माह में लू चलेंगी और लू चलने के दौरान आपको जो है फल फ्रूट देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लेट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में आपकी लौकी जो है वो ग्रोथ करती रहेगी और उसके बाद में जैसे ही मानसून शुरू होता है या बारिश शुरू होती है तो उसके बाद में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद में दोस्तों लगभग अगस्त सितंबर तक आपको जो है लौकी का उत्पादन मिलता रहेगा और इस दौरान लौकी के मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। लेकिन भाई अगर आप अप्रैल माह में यानी आखिरी सप्ताह में लौकी लगा रहे हैं या गर्मियों में अगर आप मई माह में लौकी लगा रहे हैं तो आपको लौकी की खेती जो है वो जो है तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा ही करनी है, यानी कि तारबांस बंधाई जुगाड़ करके और लौकी की लताओं को ऊपर चढ़ाना है, जमीन पे आपको बिल्कुल नहीं रखना है, वरना बारिश के दौरान आपकी जो लौकी की फसल है वो भी खराब हो सकती है और आपके जो फल की क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बेल वर्गीय सब्जियों को अगर बारिश के दिनों के लिए हम लगा रहे हैं और उनकी लताओं को अगर हम जमीन पर रखते हैं तो बारिश के दिनों में क्या होता है, कई बार तो बारिश वगैरह जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है, कई बार लंबे समय तक बारिश वगैरह होती रहती है और मॉइस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो लताएं हैं वो ख़राब हो सकती हैं, उनमें सड़न और गलन जैसी समस्या आ सकती है और उसके बाद में बारिश के दिनों में लौकी का जो फल की क्वालिटी होती है वो भी आपको अच्छी नहीं मिलती है। और अगर तारबांस बंधाई के जुगाड़ के द्वारा अगर आप बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाते हैं तो फल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और बारिश वगैरह ज़्यादा होगी, जल भराव वगैरह की समस्या कभी कभार अगर हो भी जाती है तो आपकी फसल जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, वरना अगर आप जमीन पे इसकी खेती करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है बेल वर्गीय सब्जियों को अगर आप बारिश के दिनों के लिए लगा रहे हो तो भाई तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा इसकी खेती आपको करनी है। और अगले नंबर पे अगर हम बात करें तो बारिश के दिनों के लिए आप जो है करेले की खेती भी अप्रैल माह में कर सकते हैं, यह भी आपको अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक ही लगा देना है, चाहे तो आप 15 अप्रैल के आसपास इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, फिलहाल आपके पास समय पड़ा है, जमीन की तैयारियां करने के लिए भी आपके पास काफी समय पड़ा है। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो गहरी जुताई करके किसी भी तरह की सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो एक आप मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और 10-15 दिन के लिए जमीन को धूप में छोड़ देना है ताकि जमीन के अंदर फंगस वगैरह जो है जो पहले से है वो खत्म हो जाए, ताकि बाद में बारिश के दिनों में या फसल होने के बाद में आपको फंगस जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी समय आपके पास पड़ा है और जमीन की तैयारियां जो है उन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान
देना है, तो गहरी जुताई करके और जमीन को खाली छोड़ देना है, और जैसे समय आए उसके बाद में आपको अगली तैयारियां शुरू करनी है। दोस्तों अगले नंबर पे आप अप्रैल माह में जो है गंवार फली की खेती भी कर सकते हैं। गंवार फली के लिए भाई आपको ज्यादा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कम खर्चे में ये खेती हो जाएगी और इसके मंडी भाव सब्जियों में आपको सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, और गर्मियों में इसकी डिमांड जो है वो भी काफी ज्यादा रहती है, यानी कम खर्चे में और कम समय में आपको उत्पादन मिल जाएगा इसका, और मंडी भाव इसके आपको काफी शानदार मिल जाएंगे, इसके चलते आपको इससे काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो अप्रैल में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो ग्वार फली की खेती अवश्य करें, और उसके बाद में आप मई माह में भी जो है ग्वार की खेती कर सकते हैं। ये आप पूरे अप्रैल माह में कभी भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप अप्रैल के पहले सप्ताह में लगा सकते हैं, या फिर आप जो है अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक भी जो है सब्जियों वाले ग्वार की खेती कर सकते हैं। अगले नंबर पे दोस्तों गर्मियों में पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आप अप्रैल माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हो तो पत्ता गोभी की खेती भी कर सकते हो। इसको गर्मियों में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है, काफ़ी सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिनको आप तेज़ गर्मी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, और पत्ता गोभी के मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। इसकी खेती भी आप कभी भी कर सकते हो, अप्रैल के शुरुआती दिनों से लेकर और अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक कभी भी जो है पत्ता गोभी की नर्सरी डाल सकते हो, और समय आने पर जो है 20-25 दिन में आपकी जो पत्ता गोभी है, 25 दिन मान के चलिए आप, 25 दिन में आपकी जो गोभी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी, और उसके बाद में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप अप्रैल में इसकी नर्सरी डालने वाले हो तो प्रो ट्रे में आपको इसकी नर्सरी डालनी है, ताकि प्लांटेशन के समय आपको ज्यादा दिक्कतें ना हो, और प्लांटेशन आपको शाम के समय करना है, वरना गर्मियों में अगर आप दिन के समय सुबह के समय कर देंगे या धूप में अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो आपके काफी ज्यादा पौधे जो है वो खराब हो सकते हैं। शाम के समय प्लांटेशन करेंगे तो आपका प्लांटेशन भी सक्सेस होगा और इससे आपका उत्पादन भी काफी आपको इससे अच्छा मिल जाएगा, मंडी भाव भी इसके अच्छे मिल जाएंगे, और मुनाफा भी आपको पत्ता गोभी से काफी अच्छा मिल सकता है। दोस्तों अगले नंबर पे आप अप्रैल माह में भिंडी की खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल में भिंडी लगाने वाले हैं तो इसकी खेती आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप पहले सप्ताह में अगर भिंडी लगा देंगे अप्रैल के पहले सप्ताह में, आने वाले दिनों में इसका जो उत्पादन है वो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में फल फ्रूटिंग ठीक से नहीं बन पाएगी, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लू वगैरह चलती रहती है तो ठीक से फ्रूट सेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई करेंगे तो जब तक आपकी भिंडी जो है वो फ्रूटिंग अवस्था में आ जाएगी उस समय तक लू वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि काफी जगह पर मानसून उस समय तक शुरू हो जाता है, उसके बाद में लू वगैरह चलनी है वो बंद हो जाती है और आपकी भिंडी में फ्रूट सेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक समय पर आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, भिंडी के मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे, चाहे तो आप जो है अप्रैल माह में भिंडी की खेती करके भी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। तो अगले नंबर पर पत्तेदार सब्जियों की ही यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आप पालक की खेती कर सकते हैं, पालक के भी आपको काफी शानदार मंडी भाव मिल जाएंगे और कम खर्चे में इसकी खेती आप कर सकते हैं। अप्रैल के शुरुआती दिनों से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप जो है पालक की खेती कर सकते हैं, आने वाले दिनों में उत्पादन भी आपको इससे ठीक ठाक मिल जाएगा और मंडी भाव भी इसके आपको काफी शानदार मिल जाएगा। मंडी भाव के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो स्टार्ट होते ही कि गर्मियों में भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियां उगा लो, थोड़ी सी सब्जियों की खेती करना मुश्किल जरूर होता है गर्मियों में, लेकिन मंडी भाव जो होते हैं गर्मियों में वो सभी सब्जियों के काफी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियां जो होती है वो काफी कम मात्रा में मंडियों में आती हैं, बहुत कम सब्जियां ऐसी होती हैं जो मंडियों में आती है, और काफी कम किसान जो होते हैं वो गर्मियों में सब्जियां लगाते हैं। तो आप जो है पालक की खेती करें या किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, जो सब्जियां अप्रैल में आसानी से ग्रो हो सकती हैं आपके एरिया में, उन सब्जियों की खेती आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मंडी भाव आपको सभी सब्जियों से काफी शानदार मिल जाएंगे। भी कभार एक दो मंडियों में ऐसा हो सकता है कि कुछ एक सब्जियों के मंडी भाव डाउन हो सकते हैं, लेकिन 99% चांस ऐसे होते हैं कि गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के जो मंडी भाव होते हैं वो ठीक ठाक में आपको मिल जाते हैं। तो आप जो है गर्मियों में पालक की खेती भी कर सकते हैं और अगले नंबर पे हरे धनिया की खेती करके भी आप अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गर्मियों में हरे धनिए के मंडी भाव सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आप इसकी खेती भी अप्रैल माह में कर सकते हैं, शुरुआती दिनों से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप धनिया लगा सकते हैं, इसके भी आपको मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जिन सब्जियों की खेती के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है, उन सभी तरह की सब्जियों को आप अप्रैल माह में आसानी से लगा सकते हैं, फिर भी आप अपने एरिया के क्लाइमेट और मंडी में डिमांड के हिसाब से ही सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जिन सब्जियों की खेती आप करें
पहले अपने एरिया में देखें उसकी डिमांड कैसी है, और उसके बाद में अपने एरिया का टेम्परेचर देखें कि इस फसल को आप अपने एरिया में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद ही आप इनकी खेती करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।